बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम कैपिटल डिबेट में मैं हूँ रबनवाज बाजवा मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर uh, सहाफ़ी हैं तजिया नगार हैं रशीद मलिक साहब uh, नाजन मुल्क के अंदर जो सियासी कल्चर है हमारा इसमें पिछले चंद सालों से हमने देखा कि तशद की एक बड़ी लहर मौजूद है और तशद्द के साथ साथ जो हमारी गुफ्तु का अंदाज़ है जो अलफाज का हम चुनाव करते हैं और जिस तरह से हम एक दूसरे के लिए गालम गलोच और अब तो हम हर दूसरे बंदे को मुल्क दुश्मन भी समझते हैं और उसको सियासी जो है कारकुन भी नहीं समझते और एक दूसरे के साथ हम एक ऐसी स्टेज पे आते जा रहे हैं जिसमें डायरेक्ट कोई बर रास्त दुश्मन होता है आ, रशीद मलिक साहब क्या ये सियासी कल्चर जो है आ, मुझे ये बताइए कि जो भी पार्टी ये इंट्रोड्यूस कराएगी और जो करवा रही है जो 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 भी हम हम किसी एक पार्टी को कोई जिम्मेदार ठहराने के लिए ये गुफ्तु नहीं कर रहे लेकिन जो भी ये गुफ्तु करेगा क्या वो उसकी पार्टी को मैं ये जानना चाहता हूँ उसको कोई फ़ायदा होगा इसका या इससे उनकी कोई पॉलिटिकल माइलेज बढ़ेगी कोई उनको फायदा उनके वोट बैंक बढ़ेगा या या उनके वोटर्स को जो जो नौजवान ये कर रहे होंगे उनको कोई फ़ायदा होगा क्या कहते हैं आप इसमें राभुनवास बाजवा साहब बहुत शुक्रिया जी सियासत में तशद के रजानात जो आप बात कर रहे हैं ये तशद जो है अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ जो अस्सी की दहाई देख लें जो हमारा जमाना था एक रवादारी की सियासत थी अच्छा जी लोगों एक दूसरे में बर, का एक दूसरे का लिहाज करते थे बर्दाश्त था वो दौर था बेनज़ीर की वापसी का दौर था नवाज शरीफ सियासत में नए हुए थे खुशी गी पे शरीक हो जाना एक किसी दूसरे, के दूसरे, दूसरे के साथ उनका जो है वो शेयर कर लेने खुशियाँ शेयर करनी और मामला पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और लेकिन एक एक हाँ और ये देखा है ये तारीखी बात है सर तारीख गुआ है बेनज़ीर के भाई की डेथ पे अफसोस किया और उनके पास गए हैं नवाज शरीफ साहब गए हैं इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोगों ने मुझे आपकी बात से याद आया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के पीक के दिनों में अपनी कंपेन रोक दी थी मोहतरमा की शहादत पे लेकिन सर ये जो आपने बात की है ना कि सियासी पार्टियों के अंदर तशद के रुझाना को आ, हवा दी जा रही है तो ये इसके नतज कभी कोई ज़्यादा आप इनसे वो नहीं कर सकते कि कोई मुस्बत निकलेंगे जो तशद है ये तोड़ फोड़ के रजाना नहीं मलिक साहब मुझे एक एक तारीखी बात बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वो कंपेन रोक दी तो क्या उनका वोट बैंक डाउन हो गया खत्म हो गया क्या उनको नुकसान हुआ या फायदा हुआ या लोगों ने अप्रीशिएट किया उन्हें देखें जी ये तौर पर भी फायदा हुआ और लीडर को कौन फॉलो करती है जी आज तक लीडर है और लीडर है और आज भी रूलिंग में रूलिंग में तो जो हम कहते हैं ना जी कि ग्रास रूट लेवल जो एक एक वर्कर तक ये बात जाती है जो। वो अपने लीडर के किसी अच्छे इकदाम को नकल करता है उसकी तकलीद करता है उसकी तैद करता है और इससे बर्दाश्त के रवैये परवान चढ़ते हम किसी की तलख से तलख बात को भी जो है डालते पसे पुष्ट डाल के उसके दुख दर्द में शरीक होते हैं तो इसके नतज तो मुस्बत निकलेंगे लेकिन ये अगर नौजवानों को हम बहकाएंगे, अगर उनको कोई लीडर उनका उनको गु़स्सा दिला के किसी जगह पे किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ख़िलाफ़ कहीं कोई रूल तोड़ने के लिए किसी नौजवान को तो क्या उसका करैक्टर उसका एक फ्यूचर तबाह नहीं हो जाएगा राहनवास बाजवा साहब आप माशाला बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपकी हालात पर बड़ी गहरी नज़र है मुझे ये कहने दीजिए कि जो लीडरशिप अपनी यूथ को गुमराह करती है तशद तो पर आमादा करती है वो अपनी यूथ को गुमराह करती है और ये सियासी बदानती है अच्छा, ये अब अपने 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 ज़िम्मेदारी से ही इनराफ कर रहे हैं नह कर रहे हैं क्योंकि लीडरशिप का मतलब ये होता है कि वो ग्रूम करती है कौम को लीड करती है मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाती है दुनिया के किसी एक मुलक की बात बता दें मुझे मिसाल दे दें कि जहाँ तशद से कोई तामीर व तरक्की के नतज सामने आए हों तो जो किस... जो वालदे जो यूथ है वालदेन को अपने बच्चों को कैसे महफूज करना चाहिए क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अगर किसी की के ख़िलाफ़ एफ आई आर कट जाए किसी बच्चे के ख़िलाफ़ तो कल को उसकी जाब उसका जो फ्यूचर है बरून मुल्क जाना हो कहीं सौ जगह पे उसको प्रॉब्लम आती है तो वालदे का इसमें क्या किरदार आप देख रहे हैं या एल्डर्स का या पॉलिटिकल एल्डर्स का जो जो अमन पसंद है उनका क्या रोल इसमें होना चाहिए देखिए सर यहाँ एहतजाज को रंग दिया जाता है तोड़ फोड़ में बदला जाता है तशद में इसको कन्वर्ट किया जाता है ये अब महजब दुनिया में ये तरीक़ाक नहीं है जी अच्छा जी जो जो तरक्की करते हैं तरक्की तरक्की ऐसा करते नहीं करते हैं। हैं। और वो तरक्की याफ्ता हो गए हैं जिन्होंने इन रुझाना की नफी की है इनको तरक किया इनको छोड़ दिया इनसे अवॉइड कर लिया वो आज देखे कि वो कॉमें कहाँ पे हैं वो गूगल की मालिक हैं वो आईफोन की मालिक हैं और तरक्की पजीर ममालिक में भी जो लोग उनको फॉलो करना शुरू हो गए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं बांग्लादेश को देख लें जी हाँ बहुत शुक्रिया रशीद मलिक साहब इसी के साथ ही नाजन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़